मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। हम लोग टॉपिक जो साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं उसमें हमने सर आप लोगों को इंडिफरेंट आर्टिकल एक के बारे में बताया। आज मैं उसी इंडिफरेंट आर्टिकल में से आयन का प्रयोग बता रहे हैं। तो आयन का प्रयोग जो है हम कहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में जो है आज आप लोगों को जानकारी देंगे। तो पहला नंबर हमारा इसमें है कि आर्टिकल आयन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी ओएच यानी स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होते हैं और जिनका उच्चारण भी स्वर की तरह ही होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई हमारा शब्द है ए से ई से आई से ओ से यू से अगर प्रारंभ हो रहा है तो यह आवश्यक नहीं है कि हम उसके पहले आयन का ही प्रयोग करेंगे। उसके पहले हम आयन का प्रयोग कब करेंगे, जब उसका उच्चारण भी हमारा स्वर की तरह होगा। जैसे यहाँ आयन एलिफेंट, एलिफेंट में उच्चारण हमारा ए से शुरू हो रहा है तो ए अक्षर हमारा जो है स्वर है लघु व्यंजन। जैसे इंक पाठ, इंक पाठ में हमारा शुरुआत जो है ई से हो रहा है तो हमारा ई शब्द जो है स्वर है। आयन को उल्लू है, यहाँ जो है शुरुआत रूप से हो रही है तो इस प्रकार से जिन शब्दों का उच्चारण जो है स्वर से निकलेगा उन्हीं के पहले हम आयन का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा नंबर आयन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जिन शब्दों में यज साइलेंट रहता है यानी यज का हम उच्चारण नहीं करते हैं उनमें भी हम आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे में आयन अवर, यहाँ दिया है लिखा हुआ हवर लेकिन हम उच्चारण करते हैं इतना ही आयन अवर, हमें इसमें यज साइलेंट है तो इसलिए इसके पहले आयन लगा है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल में आयन आने मैं, तो यहाँ लिखा हुआ है आनेश लेकिन हम उच्चारण में करते हैं आनेश तो इसलिए इसके पहले दिया है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है आयन अनरेबल मैं, तो यहाँ भी जो है यज साइलेंट है उच्चारण हम करेंगे अनरेबल मैं। तो इस तरह से जिन शब्दों में यज साइलेंट रहता है उनके पहले भी हम यज का प्रयोग साइन आयन का प्रयोग जो है करेंगे। अब तीसरा नंबर हमारा जो आ रहा है आयन में बता रहे हैं हम आप लोगों को, तीसरा पॉइंट हमारा है कि यदि यदि जो है किसी भी शब्द का प्रारंभ यज से हो लेकिन अगर पहले वाले भाग पर यानी पहले शब्द पर सिलेबस पर जोर न पड़े तो उनके पहले भी जो है हम आयन का प्रयोग करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे में आयन वोटर, यहाँ लिखा हुआ है आयन वोटर तो यहाँ आयन हिस्टोरिकल या आयन हिस्टोरिकल हम नोवेल भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है यज वाले भाग पर ज्यादा जो है जोर नहीं पड़ रहा है इसलिए इसके पहले भी आयन लग रहा है। अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट का जो रूल है तो इसमें यह है कि उन व्यंजनों से प्रारंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्ण
यम.ए, तो यहाँ हमारा जो है यम.ए है, यम.ए लिखा हुआ है। तो हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा जो है यम इस प्रकार से, यानी उच्चारण में हमारा जो है शुरुआती अक्षर जो है स्वर है, न कि व्यंजन है। तो इसलिए इसके पहले जो है हम आयन लिखेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दे आयन बी ए, यह भी हमारा सहायक अक्षर है, संक्षिप्त रूप है, व्यंजन से शुरू होने वाला है। लेकिन अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो यह हमारा उच्चारण बी ए इस प्रकार से लिखेंगे। तो जो हमारा यह शब्द निकल रहा है यह जो है व्यंजन है कि स्वर है, अब आपको तय कर लेंगे। यहाँ हमारा जो है यह जो शब्द है व्यंजन है, तो इसलिए अगर हम इसके पहले हम आयन लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। और जैसे में आयन यस्ति, अब यह भी हमारा जो है संक्षिप्त रूप है, तो इसमें भी जो है हमारा उच्चारण जो है यस्ति, यानी यस डॉट टी। तो यहाँ भी हमारा जो है उच्चारण जो निकल रहा है यह स्वर का ही निकल रहा है। तो जो भी संक्षिप्त रूप हो व्यंजन से प्रारंभ हो रहे हैं, लेकिन अगर उनका उच्चारण आप देखेंगे अगर स्वर से निकल रहा है तो उनके पहले आप जो है आयन का प्रयोग करेंगे। अब हम इसी पर रिलेटेड आप लोगों को होमवर्क देंगे, आप लोग जो है उसको रिवाइज करिएगा और जो भी परेशानी होगी आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हाँ मैम, अब उसी पर रिलेटेड आप लोगों को हम जो है यहाँ पर होमवर्क दिए हैं, आप लोग इसको जो है घर पर रिवाइज